देखिए, इज देयर एनी रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स। इसके इक्वेशन के रियल रूट्स हो तो रियल रूट्स के लिए हम जानते हैं हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू में वन इंटू में ए स्क्वायर प्लस वन, है ना। रियल रूट्स कह रहा है तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यही ना हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा आपका फोर माइनस का फोर, यहाँ ए स्क्वायर और माइनस का फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में है, निगेटिव फोर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो माइनस फोर, माइनस फोर को माइनस फोर से अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और इधर लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि इज एनी रियल वैल्यू ऑफ ए विच द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स। तो ए का वैल्यू हमें यहाँ पे अगर पूछ रहा है कि एक भी रियल रूट्स है तो ये लिख सकता है कि हाँ यस है। ए का वैल्यू हम लोग जीरो लेने पे हमें रियल रूट मिल जाएगा, जीरो लेने पे, है कि नहीं, है कि नहीं। क्योंकि तो कह रहा है कि ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू जीरो है, तो ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, अगर ए के जगह कोई भी अदर रियल नंबर रख के देखोगे तो कभी भी लेस देन या इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखेंगे क्या वैल्यू, तो ये तो हमेशा जीरो से ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन एक यही जीरो देख रहे हैं कि जीरो रखने पे जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी ये क्या वैल्यू एक जीरो ही होगा, समझ रहे ना। क्वेश्चन नंबर देख